ना कानून का भय ना सजा की चिंता, जंगल राज शायद इसी को कहते हैं। अमेठी में इसका जीता जाता उदाहरण सामने आया है। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस इस कदर उत्तेजित है कि महकमे के जिम्मेदार अधिकारियों की अभीक्षा में लिए गए कैदी भी अब सुरक्षित नहीं है। यह हम नहीं बल्कि पुलिस की कार्यवाही कह रही है। अमेठी जनपद में पुलिस की हिरासत में कैदी की मौत से हड़कंप मच गया। युवक के परिजनों ने पुलिस पर बर्बर पिटाई के बाद मौत होने का आरोप लगाया है। युवक को शिव रतनगंज थाना क्षेत्र में स्थित इनहुहा चौकी के पुलिस ने चोरी के आरोप में शनिवार को हिरासत में लिया था। पुलिस हिरासत में युवक की मौत की खबर से महकमे सकते में आ गया है। वहीं घटना के बाद आईजी पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे तो हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी मीडिया के कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। गौरतलब है कि पूरा मामला शिव रतनगंज थाना क्षेत्र के भिखारीपुर मर्जे पहनोवा का है, जहां के निवासी युवक राम अवतार को इनहोना चौकी पुलिस ने शनिवार को एक चोरी की घटना के सिलसिले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। यहां से उसे कोतवाली भेजा गया और सुबह करीब 9 बजे थाने पर तैनात एक गार्ड युवक को शौच के लिए शौचालय ले गया। काफी देर तक वह बाहर नहीं निकला तो गार्ड दरवाजे की चिटकनी तोड़ भीतर दाखिल हुआ तो देखा युवक अचेत अवस्था में पड़ा था। युवक को तत्काल सीएससी सिंहपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिवारजनों ने युवक की मौत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है और पिटाई के बाद मौत होने का आरोप लगाया है। वहीं स्थानीय पुलिस इन आरोपों से इनकार करते हुए हार्ट अटैक से युवक की मौत आने की बात कह रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल दलित युवक की मौत की घटना से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। बड़े पैमाने पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है तो घटना की जानकारी मिलते ही आईजी जोन अयोध्या के साथ जिले का पूरा पुलिस व प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा है। थाना अध्यक्ष ज्ञान चंद्र शुक्ल ने अनुसार मृतक राम अवतार के खिलाफ स्थानीय थाने पर चोरी के आरोप में 3 मुकदमे सहित गैर जनपदों में भी कई मामले दर्ज हैं और तकरीबन माह भर पहले ही वह जेल से बाहर आया था। चोरी के आरोप में ही उसे उठाया गया था। वहीं मृतक राम अवतार की बहन उमा की माने तो उनका भाई आज 4-5 दिनों से घर नहीं आया और आज उनके मौत की खबर आई है। मृतक युवक की बहन का यह कहना है कि उनके भाई राम अवतार ने कमाने की बात कहकर घर से 4-5 दिन पहले बाहर निकले थे। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए गांव, थाना परिसर व पोस्टमार्टम हाउस तक बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आला अफसरों के साथ ही मोहनगंज जायस, फुर्सतगंज व हैदरगढ़ पुलिस के अलावा QRT और PSC के जवानों को लगाया गया है। क्या हुआ था? अच्छा, पुलिस पकड़ के ले गया, वहाँ पर मारी पीटी थे और मारी पीटी जगह फिर भेज दी सीतागंज के, तो सीतागंज में यहाँ भेज दी कि हम जन्मों नहीं बने या तो खाली दूसरे के हाथे सुना है। तो क्या पता चला आज? आज पता चला कि अस्पताल चल गया हो, हमें प्रधान बताई तो फिर गए तो फिर वह खत में रही, खबर नहीं। दादा, ये जो लड़का खत्म हुआ है जो अस्पताल में था, ये लड़का कैसे खत्म हुआ, क्या मामला है? आज बताया कि खत्म हो गया, फोन आया तो क्या बताए फोन पे खत्म हो गए। कितने दिन पहले ये गए यहाँ से? 4 दिन पहले यार मैं घर से निकला और ये पता लग रही है यार पुलिस के हाथ, वही कह के पुलिस वाले अपने यहाँ थाने में बंद रखे थे। उसके बाद आज 1 बजे फोन किए कि आइए, आपका लड़का यहाँ बीमार है। जब वहाँ से प्रधान ने फोन किया, यहाँ से लोग गए तो वहाँ मरा मिला। अब ये इसकी जिम्मेदारी सब पुलिस की है, पुलिस ने अपने थाने में बंद रखा था। अब वो कहाँ मर गया, मार डाले, क्या कर दिया, इसकी जिम्मेदारी सारी पुलिस की होना चाहिए। और रहा अस्पताल के लिए पुलिस के सीधे मिली है और पुलिस देश के जिम्मेदार है। ये बताइए, आज जो है आपके गांव के ही एक लोगों की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? मामला ऐसा हुआ कि हम तो आज सारी जानकारी लोग बताए कि जो है 3 बजे रात में पकड़ मिला है, शटर खोल रहे थे। पकड़े के बाद में चौकी पे, इनौना चौकी पे बैठाया, उसके बाद में सुरतनगंज थाने के ले गए, वहाँ इनका थाना पड़ता है, तो वहाँ पर ले गए। वहाँ से पूछ जाँच कुछ किया, पेटे में दर्द या पेशाब लगी तो वहाँ ले गए पेशाब वेशाब कराने, वहाँ से लेके आए तो जो है पेटे में दर्द होने लगी, तो उसके बाद मैं इनको हॉस्पिटल लेके आए।
यहाँ हरो भवन के पास सिंहपुर अस्पताल, वहाँ अपन 10-15 मिनट आधा घंटा जो दवाई पानी हुई उसके बाद में बोल रहे हैं खत्म हो गया है। इतनी बात हम लोग जाने पाए हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है कि पुलिस की अभिरक्षा में मौत हुई है और उस युवक की पिटाई की है पुलिस वाले, ऐसा कुछ मामला है? भाई ये तो हम नहीं बता सकते, न साथ में रहे हैं नहीं है, तो हम जो चीज़ जाने पाएंगे, जो लोग सब अधिकारी बताएंगे, आप लोग बताएंगे, वही हम जानकारी है मेरे पास। नाम है आपका? उमा। क्या मामला है आपके भाई का, क्या जो है किसे? क्या जानकारी मिली आपको अभी आई तो? बस की खत्म है, खाने से छोड़ के कौन पता नहीं छोड़ेगा कि कहाँ। कब गए यहाँ घर से, कुछ जानकारी? चार पाँच दिन, चार दिन हो गया, कमाए के चक्कर में गए कि कमाए। क्या नाम है आपका? राम लाल। क्या हुआ था? अरे पुलिस पकड़ के ले गया हुआ पर, वहाँ पर मारी पीटी थे और मारी पीटी दिया था, फिर आप यहाँ भेज दी सीतागंज के, तो सीतागंज में यहाँ भेज दी कि हम जन्मो नहीं बने, या तो खाली दूसरे के हाथे सोना है। तो क्या पता चला आज? हाँ पता चला कि अस्पताल चल जाओ, हमें प्रधान बताए और फिर गए तो फिर हुआ खत्म रहे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।